और अब अजमेर से बड़ी खबर, जहां गेगल स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग, अज्ञात कारणों के चलते एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। प्लाईवुड की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मचा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां। आग बुझाने के लगातार प्रयास जारी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मौके पर फिलहाल गेगल थाना पुलिस मौजूद है और आग की भयावहता इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्लाईवुड की फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। गेगल स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री के अंदर ये आग लगी। अज्ञात कारणों के चलते आग लगना बताया जा रहा है। भीषण आग, फिलहाल आग बुझाने के लगातार प्रयास जारी है। गेगल थाना पुलिस फिलहाल मौके पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। राहत बचाव कार्य इस समय लगातार जारी है। प्लाईवुड की फैक्ट्री और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अजमेर ब्यूरो चीफ नवीन वैष्णव। नवीन, क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर? भीषण आग लगी प्लाईवुड की फैक्ट्री में। जी बिल्कुल सौरभ, मैं आपको बताना चाहूंगा, गेगल थाना क्षेत्र में थाने से कुछ ही दूरी पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके पास एक मेकर्स डेकोरेटिव लेमिनेट्स के नाम से एक प्लाईवुड की फैक्ट्री है, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई और मध्य रात्रि के बाद शुरू हुई आग अभी तक भी जारी है और अब तक 10 से अधिक दमकल चक्कर लगा चुकी है और लगातार आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। गनीमत यह रही कि यहाँ पर कोई भी श्रमिक मौजूद नहीं था और यह फैक्ट्री बंद पड़ी थी। अगर कोई यह मौजूद होता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं आपको बता दूं कि इस फैक्ट्री में एक केमिकल का टैंकर भी खड़ा था। गनीमत रही कि उसमें भी आग नहीं लगी। अगर उसमें भी आग लग जाती तो आस पास की फैक्ट्रियां सहित अन्य जो क्षेत्र था वह भी आग की चपेट में आ सकता था। फिलहाल जो गेगल थाना अधिकारी है भवानी सिंह, उनका कहना है कि आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। वही आस पास में और सारी जगह पूरी तरह से खाली करवा दी गई है और किसी भी तरह की हताहत इस आग से नहीं हुई है। जी, अभी तक क्या जानकारी मिल पाई नवीन, इस आग को लेकर किस कारण से आग लगी? जी बिल्कुल सौरभ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भवानी सिंह है थाना अधिकारी, उनका कहना है कि ये प्लाईवुड की फैक्ट्री है और अभी तक कोई शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना भी सामने नहीं आया है या किसी ऐसा मजिक तत्व ने कोई कुछ फेंक दिया या इस तरह की अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन फिलहाल आग के कारणों का प्रयास किया जा रहा है और जो पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम है उनका प्रयास है कि पहले जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके और इस आग के चलते लाखों रुपए का नुकसान अभी तक आकलन किया जा चुका है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन इस तमाम जानकारी के लिए।